بسم الله الرحمن الرحيم والسامن مادام وهي لتوقيت شيء بمده ثبوت خبرها لاسمها فلا بد من ان يكون قبلها جمله فعليه فلا بد من ان يكون قبلها جمله فعليه او اسميه نحو اجلس ما دام زيد جالسا وزيد قائم ما دام عمرو قائما مادام ما دام هي وهي او لتوقيت شيء किसी शय को मुवक्कत करने के लिए है बेमद्दत सबूत खबर हा ल्मा उसकी ख़बर के उसके इसम के लिए सबूत की मुद्दत के साथ फ़लाबुद्दा बस ज़रूरी है मिन मिनयून के उससे पहले हो जुमला त फैली जुमला फ़ैलिया और इसमियतन या जुमला इसमिया नहवो जैसे इजलिस बैठ जाओ मादाम जैदुन जालसन जब तक जैद बैठा हुआ है वजैैन्खा इमन और जैद खड़ा है मदाम अमरुन्ख़वा इमन जब तक के अमर खड़ा है अफाल नाकसा में से आठवां मादामा है मादामा ये बताने के लिए आता है कि कोई फेल या कोई काम किसी मुद्दत के लिए तब तक, तक साबित है जब तक खबर अपने इसम के लिए साबित है मादामा ये बताने के लिए आता है कि कोई काम किसी मुद्दत के लिए तब तक साबित है जब तक कि खबर अपने इसम के लिए साबित है तो ज़रूरी है कि इससे पहले यानी मादामा से पहले जुमला फेलिया या जुमला इसमिया हो जुमला फ़ेलिया हो जैसे इजलिस मादामा जैदाजन बैठो जब तक कि जैद बैठा है तो यहाँ पर बैठने का हुक्म तब तक के लिए साबित है जब तक कि जैद बैठा है और जुमला इस्मिया की मिसाल ज़ैदिन ख़्वाम मदाम अमरुनख्वा अमन जैद खड़ा है जब तक अमर खड़ा है तो यहाँ ज़ैद के लिए क़्याम का सबूत तब तक है जब तक अमर खड़ा है तो अफ़ाल नाकसा में से आठवां मादामा है ये ये बताने के लिए आता है कि कोई शय कोई काम किसी मुद्दत के लिए तब तक साबित है जब तक कि खबर अपने इसम के लिए साबित है लिहाजा ज़रूरी है कि मादामा से पहले जुमला फेलिया या जुमला इस्मिया हो जुमला फ़ैलिया हो जैसे इजलिस मादा मादाम जैदाज़ालसन बैठो जब तक कि जैद बैठना बैठने वाला है मदामत से पहले जुमला फैलिया है यानी तब तक बैठे रहो जब तक कि जैद बैठने वाला है ये बैठने का हुक्म तब तक है जब तक कि जैद बैठने वाला है जुमला इसमिया की मिसाल जैदाक़ा मदामा अमरमन जैद खड़ा होने वाला है जब तक कि अमर खड़ा होने वाला है यहाँ पर मादामा से पहले ज़ैदुन काम जुमला इसमिया है यानी जैद के लिए खड़ा होने का हुक्म तब तक है जब तक के आमर खड़ा होने वाला है व तहसी माज़ा मा बर वल्हादी आशर मनफ़ वसानी आशर माफ़ वफ़तफ़ता हमजत माफ़ व मा अफता وكل واحد من هذه الافعال الاربعه لدوام ثبوت خبرها لاسمها مذ قبله ويلزمها النفي مثل ما زال زيد عالما ما برح زيد صائما وما فتئ عمر فاضلا ومن فك بكر عاقلا والتاسع اور نما ما زال هي اور ما, ما برح هي اور ما من فك هي اور ما فتئ वक़ियुकालों और कभी बोला जाता है ता और हमजा के फतह के साथ मा फ़ और और मा माँत वकुलवाहिदिन और इन चार अफ़ाल में से हर एक लिदवा में उसकी खबर उनकी ख़बर के उनके इसम के लिए सबूत के दवाम के लिए हैं मुझकबील जब से उस इसम ने उस खबर को कबूल किया व यलज़मुहन नफीओ और उनको नफ़ी लाजम है मिसलो जैसे माजाला जैदा जैद बराबर आलम रहा माबर जैदा सामन जैद हमेशा रोज़ादार रहा माँ फति अमर फ़ाज़िला अमर हमेशा फ़ाजिल रहा मनफक् बकर बकर हमेशा से आक़िल रहा अफ़ल नाकसा में से नवा माजाला दसवा माबर हा नंबर ग्यारह मनफक्का और नंबर बारह माँ फ़तः है ये जो माँ फत है इसको दो और तरह से भी पढ़ा गया है नंबर एक माँ यानी ता और हमजा के फतह के साथ और नंबर दो माँ अफ्ता मा अक्रमा की तरह तो अफ़ाल नाकसा में से नंबर नौ माँ जला नंबर दस माँ बरेहा नंबर ग्यारह मनफ़क्का और नंबर बारह माँ फते माँ फतआ में दो तरह और दो और तरह से भी पढ़ा गया है नंबर एक मा ता और हमजा के फतह के साथ और नंबर दो माँ आफ्ता मा अक्रमा की तरह इन चार अफ़ाल में से हर एक ये बताने के लिए आता है कि खबर अपने इसम के लिए दायमी तौर पर साबित है जब से इसम ने ख़बर को कबूल किया है और ये इन पर हमेशा नफ़ी लाजम होती है इनके लिए नफ़ी लाजम है अब इनकी मिसालें माजाल जैदा आलमन زيد هميشة سي عالم رها ما برح زيد صائما زيد هميشة سي روزدار رها ما فَتِيَ عمر فاضلا زيد عمر هميشة سي فازل رها ومن فك بكر عاقلا بكر هميشة سي عاقل رها والثالث عشر ليس وهي لنفي مزمون الجملة في زمان الحال وقال بعضهم في كل زمان مثل ليس زيد قائما. और तैरवा लैसा है वहिया और वो मजमून जुमला की नफ़ी के लिए होता है फ़ी जमानल हाल हाल के ज़माना में वाला बाज़ाह हूँ और उनमें से बाज ने कहा फ़ीकुल्ले ज़मानन हर ज़मान में मिसलो जैसे लईस जैद उनका जैद खड़ा होने वाला नहीं है अफ़ाल नक्सा में से तैरवा लैसा है लैसा मजमून जुमला की नफ़ी के लिए आता है फिर इख्लाफ है जमहूर कहते हैं ज़मान हाल में मज़मूने जुमला की नफ़ी के लिए आता है और बाज कहते हैं हर जमाने में मज़मूने जुमला की नफ़ी के लिए आता है तैरवा अफ़ाल नक्सा में से लेसा है ये मजमून जुमला की नफी के लिए आता है फिर इख्तिला है जमहूर कहते हैं ज़मान हाल में मजमून जुमला की नफी के लिए आता है और बाज़ कहते हैं हर ज़मान में मजमून जुमला की नफ़ी के लिए आता है जैसे लहीसा जैदन क़वामन अब जमहूर के नज़दीक इसका माना होगा फ़िलहाल जैद खड़ा होने वाला नहीं है जबकि बास के नज़दीक इसका माना होगा जैद किसी ज़माने में भी खड़ा होने वाला नहीं है आगे वालम वालमानन्ना तकदीम अखबार हादिल अफ़ा आला आसमाय जायज़ुल बेबाहा मिसल खाना इमन जैदा वाल हादलियाबाख़ी وأيضا تقديم أخبارها على أنفسها جائز سوى ليس والأفعال التي كان في أوائلها ما مثل قائما كان زيد وقال بعضهم تقديم الأخبار على هذه الأفعال أيضا جائز سوى ما دام أما تقديم أسمائها عليها فغير جائز ترجمة وعلم أرجان توك كأن تقديم أخبار هذه الأفعال इन अफ़ाल को इनके आसमा पर मुक़दम करना इन अफ़ाल के अखबार को इनके आसमा पर मुक़दम करना जायज उन जायज़ है बेअा या अमल हा उन अमल को बाकी रखने के साथ मिसलो जैसे कान ख़ा इमन जैदन और इसी क्यास पर है फिर बवाकी बाकियों बाकीों में वैसन और नीज तकदीम अखबार अला हा अलाफ़ हा इन ख़बरों को खुद इन पर मुकदम करना जायज़ है सिवा लैसा, सिवाय लैसा के वल लती और सिवाय उन अफ़ाल के जिनके शुरू में माँ है जैसे खा इमन खान सदन वागहम और बाज ने कहा तकदीम अखबार अख़बार अखबार को मुकदम करना आिलफ़ाल इन अफ़ाल पर जाय यह भी जायज़ है सिवा मादामा सिवाय मादामा के अम्मा तकदीम असमाय हल बहरहाल उनके असम को उन पर मुकदम करना फ़ैैर जाइजन तो ये जायज़ नहीं है एक फ़ायदा बयान किया कि अफ़ाल नाकसा की ख़बरों को इसम पर अफ़ाल नाकसा की ख़बर को इसम पर मुक़दम करना जायज़ है और इस वक्त अफ़ाल नाक़ा बराबर अमल करते रहेंगे जैसे काना का इमन इसमें का काना की ख़बर है और जैदा काना का इसम है यहाँ पर कायमन को जैद इसम से मुकदम कर दिया गया इसी तरह बाकी अफ़ालनाकसा का हाल है वाइसन तकदीम इसका मतलब ये है कि काना वगैरह की जो खबर है ख़ुद उसको काना वगैरह पर मुकदम करना भी जायज़ है लेकिन आ, दो सूरतों में जायज़ नहीं है नंबर एक लैसा में ऐसा काम नहीं कर सकते और नंबर दो वो उन अफ़ाल में भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिनके शुरू में माँ हो बाकी सब में कर सकते हैं अफ़ाल नाकसा की ख़बरों को ख़ुद अफ़ाल नाकसा पर मुक़दम करना भी जायज़ है लेकिन दो सूरतों में नहीं कर सकते नंबर एक लेसा में नंबर दो उन अफ़ाल नाकसा में कि जिनके शुरू में माँ है जैसे कामन खाना जैद इसमें कावायन काना की ख़बर है जो ख़ुद काना पर भी मुक़दम है बाल बाज़ु इसका मतलब ये है कि ख़बरों को ख़ुद इन अफ़ाल नाक़ा पर भी मुक़दम करना जायज़ है ख़बरों को जो है ख़ुद इन अफ़ाल नाकसा पर भी मुक़दम करना जायज़ है लेकिन मादामा में ऐसा काम नहीं कर सकते थे यानी जिनके शुरू में माँ है ख़ुद उन में भी ख़बरों को अफ़ाल नाकसा पर मुक़दम कर सकते हैं सिर्फ़ मादामा में नहीं कर सकते चुनाचे उनके नज़दीक जो है वो इस तरह कहना जायज़ हो जाएगा जैसे मुंतल मनत का आना जैदन और काम मनफक्का जैदुन इस तरह कह सकते हैं जिनके शुरू में माँ है अम्मा तकदीम आसमाय है लेकिन इस पर इतफ़ाक़ है कि अफ़ाल नाकसा की इसमों को ख़बरों पर मुक़दम करना जायज़ नहीं है इस बात पर सबका इतफ़ाक़ है कि अफ़ाल नाकसा के इसम को ख़ुद अफ़ाल नाकसा पर मुक़दम करना जायज़ नहीं होगा चुनाचे ये नहीं कह सकते हैं जैदन का नमन यहाँ पर जैद को जो है वो काना पर भी मुक़दम कर दिया गया तो ये जायज़ नहीं है लेकिन ये उस सूरत में है जबकि हम जैद को काना का इसम माने और अगर इसको मुब्त बनाते हैं और काना का इसम उसके अंदर ज़मीर होती है तो फिर ये जायज़ हो जाएगा